राहुल जी ने हिंदुत्व पर व्याख्या पेश कर दी, अब वो फजीता नहीं नहीं समेटे समेट रहा, हिंदू कौन और हिंदुत्व कौन, बोले हिंदुत्ववादियों को देश से भगाना है। बताइए राघवेंद्र जी, कैसे कैसे काम हो रहे हैं भैया, आप लोग पीछे भी नहीं देख रहे कहां कितनी बड़ी पार्टी थी कहां आ गई। नहीं, बाबा विश्वनाथ कितने तड़प रहे होंगे जी, किस बात से? जिस देश में 12.5 करोड़ लोग भुखमरी के कगार पे चले जाएं, उनकी नौकरी छूट जाए। ठीक कपीश भाई, अभी आज आज हम इसी पर रहेंगे। कपीश बाबू आज काशी पर नहीं है, काशी पर नहीं है बाबा। अगर रो रहे हैं तो हमें कहना नहीं पड़ेगा। चलिए ठीक ठीक, बाबा रो रहे हैं तो हमें कहना नहीं पड़ेगा। ठीक, लेकिन यही टोन और टेक्सचर में अयोध्या के समय सुनता था। बड़े बड़े विद्वान आते थे, हैं, वो कहते थे बताओ ये क्या लंपटाई हो रही है आंदोलन के नाम पर, हैं, यहाँ बात वो अस्पताल बना दो। एक बड़े नेता आए, बोले जी यहाँ शौचालय बना दो। सब पार्टियां ध्वस्तीभूत हो गई, कुपोषण का शिकार लोगों ने खारिज कर दिया। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? आताई आए हमारे यहाँ, इन्हीं तीन बिंदुओं को क्यों रौंदा उन्होंने? क्योंकि हमारी आत्मा से जुड़े विषय थे ये, कोई ही सैन्य शासित सैन्य स्थान नहीं थे भारत के, ना आर्थिक स्थान थे। अयोध्या तो बहुत पिछड़ा इलाका था, वहां के लिए आए थे, इसीलिए आए थे कि भारत के माथे पर लात रख के खड़े हो जाए। तो अगर वहां वो